वहीं आज हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि औपचारिक तौर पर कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, फसल खरीद और उत्थान जो है उसे लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं और होली की बधाई भी सीएम यहां पर प्रदेशवासियों को देते हुए दिखे। लोकसभा की 4 सीटों पर अभी उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी ने नहीं किया है। जब इस बारे में सीएम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि टिकट को लेकर भी केंद्रीय नेतृत्व ही फैसला लेगा। तो आपको बता दें कि विभाग बांटने के बाद पहली बार आज ये कैबिनेट बैठक थी जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री शामिल हुए। वहीं इससे पहले असीम गोयल बस में सफर कर कैबिनेट मीटिंग के लिए पहुंचे। टिकट लेकर अंबाला से चंडीगढ़ का सफर उन्होंने बस में किया। इस दौरान परिवहन मंत्री बस में बैठे यात्रियों से भी बातचीत करते नजर आए। आप तस्वीरें देख रहे हैं कैसे यात्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। कल देर रात हरियाणा में मंत्रियों को विभाग सौंप दिए गए। गृह विभाग सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने पास रखा। जेपी दलाल को वित्त विभाग और पाल गुर्जर को कृषि मंत्री बनाया गया। डॉक्टर कमल गुप्ता को स्वास्थ्य मंत्रालय और सीमा त्रिखा को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने सबसे ज्यादा 13 विभाग अपने पास रखे हैं। आज सीएम सभी मंत्रियों को उनके ऑफिस में बिठाते हुए नजर आए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे और तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार दोबारा जीत हासिल करेगी। बिल्कुल, सभी आज जो विभागों का विभाजन हुआ है उसके बाद सभी मंत्रियों को उनके स्थानों के ऊपर बैठा रहे हैं और हरियाणा प्रदेश के विकास के अंदर एक मजबूती से मिलकर के पूरे टीम वर्क के रूप में काम करेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री बिठा रहे हैं और सभी मंत्रियों को बिठा करके और कहीं ना कहीं मजबूती से काम करने की बात उन्होंने कही है कि मजबूती से काम करने दिया जाएगा। और अभी देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये विशंबर सिंह जो मंत्री बने हैं उनको बिठा रहे हैं और विशंबर सिंह मंत्री को बिठाते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक एक मंत्री को, क्योंकि ये अब नया मंत्रिमंडल बना है, ये नायब मंत्रिमंडल है और इसको में एक एक मंत्री को बिठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कहा गया है कि मुख्यमंत्री के माध्यम से कि मजबूती से सरकार चलाएंगे, अब जो सरकार है वो मजबूती से चलेगी, वो चलती हुई नजर आएगी। मुख्यमंत्री जी, होली का पर्व है, क्या कहेंगे? होली की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। ये त्योहारों का पर्व है, रंगों का पर्व है। हर हरियाणवी के जीवन में नए नए रंग लेकर के आए, ऐसी मैं हरियाणा वासियों को बधाई देता हूँ। 95 दिन की सरकार मिली है, मजबूती से चलाएंगे? बिल्कुल मजबूती से चलाएंगे, 95 दिन नहीं है, आगे और आएगा। तीसरी बार